जाती में दो तीन चार घंटे खाते हैं वहाँ पे कुछ है ऐसी है। बड़ा रूट है कुछ ना वो बड़ा रूट है तो उसमें कुछ वो कह रहे हैं चांस ज्यादा रहते हैं देखने के। हाँ 35 किलोमीटर अंदर जाकर हमें स्टे करने की कंटीन है। जैसे वहाँ पर अपने पाँच छः जो है रेस्ट हाउस है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है तो जैसे आपने कोई एक रेस्ट हाउस चुन लिया वहाँ पर आप स्टे करोगे तो आपकी जो गाड़ी ड्राइवर साथ में रहेंगे आपके साथ ठीक है। तो जैसे सुबह ही आपकी सवारी स्टार्ट होती है तो सुबह आपका टाइम होता है ना 5:45 का टाइम है मान लीजिए तो 5:45 पे आप तैयार होकर गाड़ी लेके वहाँ खड़े हो जाएंगे। फिर एक जो है एक आएगा वहाँ पर गेट वॉचर है ना तो वो गेट खोलेगा फिर आप निकलोगे। अब ढिकाला इतना बड़ा है ना तो अब आपके जो उसमें होंगे रेस्ट हाउस में जैसे आपने कोई रेस्ट हाउस सुल्तान चुना है सुल्तान में जैसे आपकी 10 गाड़ी है तो ये 10 गाड़ी इंडिपेंडेंट कहीं भी जा सकती है। पूरा इतना बड़ा ढिकाला है कहीं भी घूम के फिर जैसे ही टाइम ओवर हो जाएगा फिर अपने रेस्ट हाउस पे पहुंचना है। अच्छा हाँ रूट नहीं कहीं भी जाओ कहीं भी जाइए। हाँ बहुत बड़ा है ढिकाला जैसे सब अपना आईडी लगाते करके आज साइटिंग कहाँ पर होता है मज़ा भी आता। और जो है वहाँ पर अच्छे ग्रास लैंड है और जो है प्रॉपर रिवर है वहाँ रामगंगा रिवर है ना वहाँ पर बड़े रिजर्व आयर है वहाँ क्या होता है ना देखिए बड़ा एरिया था ग्रासलैंड होते हैं थोड़ा क्लियर और हाथी कॉमन हो जाता है या हाथी थोड़ा सा मुश्किल होता है वहाँ हाथी कॉमन हो जाता है वहाँ एलिफेंट वगैरह हम मेन कह रहे हैं टाइगर के लिए घूम रहे टाइगर भी कहीं ना कहीं लड़ी जाएगा इतना बड़ा एरिया टाइगर ना भी दिखे तो वैसे जंगल आप देखोगे दिल जंगल जो है पहला गेट है कॉर्बेट का 1936 में खुला था।